बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आप लोगों को भी पता है, सर्दी का मौसम हर जगह पे है, तो चाय के साथ कुछ ना कुछ हम बाज़ार से मंगवाते हैं। तो आप ऐसे करें कि आप भी केक रस बना के तो टिफ़िन भर के रख लें, तकरीबन आपका एक महीना गुजर ही जाएगा। तो रेसिपी को शुरू करती हूँ। मैंने 5 अंडे लिए हैं, 1 कप ऑयल का है, 1 कप मैदे का है ऑल पर्पज़ फ्लावर का, 1 कप चीनी है, और छोटी प्याली के अंदर जो आपको नज़र आ रही है ये वनीला शुगर है, तकरीबन 1.5 चम्मच तक है। हमने अंडे ज़्यादा इस्तेमाल करने, इससे हमारे केक रस बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ऑयल मैंने डाल दिया है, चीनी भी मैंने डाल दी है। बस इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, बीट कर लें आप मशीन के साथ या किसी चम्मच की मदद से। बस 2 से 3 चुटकी इसके अंदर नमक की जाएगी, एक एक करके अंडा डालते जाएं और इसे बीट करते रहें। इसे अच्छी तरह, ये 7 से 8 मिनट लगे थे, मैंने वनीला शुगर भी डाल दिया है और 4 ग्राम इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी जाएगा, वो भी मैंने आटे के अंदर ही मिक्स कर दिया हुआ है। बस ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। आटे को जब आप कोई भी चीज़ बनानी हो आटे को ज़रूर छाना करें। आज मैंने आटे को छाना है तो उसके अंदर बहुत सा गंद निकला था, तो मैंने वो फेंक दिया था। कभी कभी जल्दी में हम कहते हैं कि नहीं जी ऐसे डाल देते हैं ना, नहीं मैं वैसे छान के पहले रख लेती, लेकिन आज मैंने रखा नहीं हुआ था पहले से, लेकिन अभी मैंने इसे छान लिया आटे को भी। बस चंद सेकंड के लिए मशीन से आप आटे को बीट करें, ज़्यादा नहीं करना है, बस 10 से 20 सेकंड आप लगाएं मशीन पे, फिर आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें हाथ की मदद से या किसी स्पून की मदद से। इससे ये होगा कि आपका जो केक रस के अंदर जाल है ना, एक अंडों की वजह से और एक इस वजह से, बहुत ही अच्छा केक रस का जाल बन जाएगा और केक रस बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। बस ये इस तरह से मैंने ओवन वाली डिश के अंदर डाल दिया है और इसे 170 डिग्री पे मैंने 25 मिनट के लिए ओवन के अंदर लगा देना है। बाद में इसे निकालूंगी और आपके सामने ही इसकी कटिंग करूंगी। बस इसके अंदर मैंने वनीला शुगर डाल दी थी, अगर आपने शुगर नहीं है तो वनीला एसेस डाल लें। बस 25 मिनट के बाद ये तैयार हो चुका है, अभी मैं इसकी कटिंग करूंगी। थोड़ा ठंडा हो चुका है, जितना अच्छा आप बीट करेंगे उतने ही अच्छे आपका केक या केक रस तैयार होंगे। और अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं केक रस तो आप ज़्यादा लें, डबल कर लें सारी चीज़ों को, फिर बहुत ज़्यादा केक रस तैयार हो जाएंगे। और इसका नेक्स्ट आपको मैं बताती जाती हूँ साथ साथ। इसकी कटिंग आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, मैंने लंबाई में दोनों हिस्सों को काट लिया है। पहले भी मैंने केक रस बनाए थे, वो दूसरी तरह बनाए थे, वो भी बहुत ही मज़ेदार थे। उसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट डाला था, नट्स वगैरह डाले थे, और ये सिंपल जो केक रस पाकिस्तान से मिलते हैं बेकरी की दुकान से, ये मैंने वो वाले बनाए हैं। बस इसी तरह से ये मैंने ये डिश के अंदर लगा के ओवन को 160 डिग्री पे मैंने किया हुआ है और इसे मैंने 10 मिनट के लिए ओवन के अंदर रखना है। 10 से 15 मिनट रखे थे मैंने, और इसे इसकी साइड भी चेंज की थी, फिर मैंने इसे पंखे के आगे रख दिया था, उससे ये था कि ये क्रिस्पी हो गए थे। बस इस तरह से इसकी कटिंग करते जाएं। देखें 1 कप मैदे के अंदर बहुत से केक रस तैयार हो चुके हैं। अभी इसकी फाइनल लुक भी आप देखेंगे, बिल्कुल बाज़ार के लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे घर में बनाए ही नहीं हैं। मैंने इसके अंदर कलर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बस ये पंखे के आगे रखे हैं। ओवन के अंदर इसे तकरीबन 160 इसकी हीट रखी थी मैंने, 10 मिनट या 12 मिनट रखें उसके बाद निकाल लें। पंखे के आगे रखने के बाद मैंने फिर 5-5 मिनट के लिए इसे रखे थे, ये बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। देखें इसका जाल भी है,
बिल्कुल बाज़ार के लग रहे हैं, किसको बाज़ार जैसे लग रहे हैं। ये परफेक्ट रेसिपी मैंने आप लोगों को बताई है जी। अल्लाह हाफिज़। आप भी इस तरह के केक रस बनाएं और चाय के साथ खाएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें जी। अल्लाह हाफिज़।